हैदराबाद में एक शख्स ने चीफ मिनिस्टर की सरकारी क्यामगाह के पास खुदकुशी की कोशिश की। चंचलगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नसीरुद्दीन कल प्रगति भवन के पास पहुंचे। उन्होंने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद अफराद और पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके जिस्म पर पानी डाला गया। नसीरुद्दीन जारो खतार रो रहे थे और ये कह रहे थे कि वो काफी परेशान हैं। उन्होंने 2 साल कबल मलकपेट में चप्पल की दुकान लगाई थी जो नुकसान में जा चल रही थी और अब 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से वो काफी मकरूज हो गए हैं। पुलिस ने नसीर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।